हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो कि पत्तियों से बनता है, यानी कि आज मैं आपको लीफ कंपोस्ट, जिसे लीफ मोल्ड भी कहते हैं या ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, तो मैं अपने कंपोस्ट का अपडेट भी दूंगी और आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस कंपोस्ट को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट पौधों के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है क्योंकि ये पौधों के ही वेस्ट से बनता है, पत्तियों से बनता है, तो इसलिए ये पौधों के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। इस कंपोस्ट में तीन मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो इसमें अच्छे अमाउंट में पाए जाते हैं, इसीलिए ये कंपोस्ट पौधों के लिए बेस्ट मानी जाती है। ये तीनों ही पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधों के मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि एक पौधों को फुली ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो इस फर्टिलाइज़र में पौधों को आराम से मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको अपडेट दिखा रही हूँ कि किस तरीके का मेरा कंपोस्ट बना है, रेडी हुआ है। तो ये देखिए, ये है मेरा रेडी किया हुआ फर्टिलाइज़र जो कि एकदम बढ़िया बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इसे बनाना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ प्लांट्स हैं तो अक्सर आप उसमें से पत्तियाँ झड़ती होंगी, पीली पत्तियाँ निकलती होंगी या फ्लावर्स निकालते होंगे, या जब भी आप अपने गार्डन की सफाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से कुछ पत्तियाँ और कुछ मिट्टी निकलती होगी जो कि हमारे गमलों में से निकल जाती है जब हम पानी देते हैं। तो बस हमें करना ये है कि इन सबको इकट्ठा करना है, इन्हें हमें बाहर नहीं फेंकना है, इन्हें हमें डालना है एक कंपोस्ट बिन में। वो आप कोई भी कंपोस्ट बना सकते हैं, जैसे कि कोई प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं, आप इसे मटके में बना सकते हैं, या आप चाहें तो किसी कट्टे में बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जो हम प्लांट्स की प्रूनिंग, पिंचिंग और डेड हेडिंग करते हैं, ये पत्तियां गिरती हैं, इन्हीं सबको बस हमें इकट्ठा करना है और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ में डाल के उसे रखना है। बस इस तरह से देखिए, ये कई दिनों का कचरा, ये गार्डन का ही वेस्ट है जो कि गार्डन की साफ सफाई में निकलता है, उसे ही इसे डालना है। कुछ प्लांट्स जो हमारे सूख जाते हैं, जो कि कभी किसी कारण से ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, वो प्लांट्स, या जब हम प्लांट्स की प्रूनिंग करते हैं, इस तरह का हमें कचरा एक साथ इकट्ठा करके किसी भी एक पॉली बैग में या बड़े कट्टे में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में डाल के रखना है। तो ये देखिए, ये कुछ दिन पहले का मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसे खोल के देखा है, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे मुझे रखे हुए 7 से 8 मंथ हो चुके हैं, तो अब मैं इसे खोल के एक दिन धूप दिखाऊंगी। धूप दिखाना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें नमी होती है और नमी की वजह से मैं इसे छान नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं इसे एक दिन धूप दिखाऊंगी तेज। ये देखिए, धूप में रखे रखे 7-8 मंथ में धूप में रखे रखे इसकी बोरी भी फट गई है, लेकिन इसके अंदर जो ये अंदर वाला प्लास्टिक है ये थोड़ा मजबूत है, इसलिए ये इसमें अच्छे से रखा हुआ है। तो मैं जो अभी नया रेडी कर रही हूँ वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। तो मैं आपको ये अभी निकाल के दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमें इसमें और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ गार्डन की जो पत्तियाँ हैं वो डालना है, या पुराने जो कुछ हम प्लांट्स, जैसे विंटर के सारे प्लांट्स जो क्रिसेंथेमम वगैरह के जो निकले थे जिन्हें हम हटाते हैं, वो सब मैंने इसमें जो जितना भी वेस्ट निकला था इसमें डाला हुआ था। कुछ उसके साथ पतली पतली सी ब्रांचेज होती हैं वो भी डाली थी, और उन्हीं के साथ जो मिट्टी उनमें लगी होती है, जैसे कोई प्लांट सूख जाता है तो वो भी मैं इनमें डाल देती हूँ। इसके अलावा मैंने इसमें कोई भी मिट्टी नहीं डाली है अलग से, और इसके अलावा मैंने इसमें कोई चीज़ नहीं डाली है। एक बार मैंने इसमें अच्छी डिकम्पोजन के लिए इसमें मैंने डाला था दही और गुड़ को एक साथ मैंने घोल लिया था, और वो पानी मैंने इसमें डाला था ताकि ये अच्छे से जल्दी से बन जाए। लेकिन फ्रेंड्स, इस कंपोस्ट को बनाने के लिए हमें सिर्फ टाइम लगता है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं लगता है। तो कचरा है जो हम बाहर फेंकते हैं, उसे हमें किसी एक बोरी में डाल के रख देना है और बस, कुछ नहीं करना है। कभी कभी हमें उसमें, अगर हमें ड्राई लग रहा है तो उसमें हम थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है।
और बेस्ट यही होता है कि आप इसे 7 से 8 मंथ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 1 साल तक रखें और कम से कम आप इसे कम से कम 6-7 मंथ तक तो रखें ही रखें। उससे जल्दी इस कंपोस्ट को ना यूज़ करें, क्योंकि हाफ डिकम्पोज किया हुआ जो कंपोस्ट बनता है वो अच्छा नहीं होता, वो हमारे पौधों को फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी कर देता है। तो इस कंपोस्ट में बनाने में हमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे प्लांट्स के लिए। तो देखिए, इसे 1 दिन की धूप दिखाने के बाद मैंने इसे छान लिया था, और सिर्फ हमें छानने में मेहनत लगती है, बाकी जो इसका रिज़ल्ट मिलेगा वो आप बिल्कुल एक बार अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आप हमेशा इसे बनाना चाहेंगे। तो देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से अलग किए हुए ये बड़ी बड़ी लकड़ियाँ वगैरह जो हैं ये डिकम्पोज होने में टाइम लेती हैं, तो इन्हें मैंने अलग कर दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये भी काफ़ी ड्राई है और धीरे धीरे ये भी डिकम्पोज हो जाएगी। तो फिलहाल जो मैं छान रही हूँ तो मैंने इसे अलग कर दिया है, कुछ थोड़ा मोटा कचरा निकला जो कि अच्छे से नहीं छना है उसे मैंने अलग कर दिया है, और जो ये है बारीक वाला ये हमारे काम का है। फिलहाल देखिए कितनी अच्छी कंपोस्ट है, और हमें इसे ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, इस तरह से इसमें नमी होनी चाहिए। बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, दानेदार। अच्छे कंपोस्ट का जो पहचान होती है वो यही होती है कि उसमें नमी भी हो और इस तरह से दाने दाने भी हो। कंपोस्ट हमारे प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स देने के साथ साथ मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखता है। तो देखिए, ये इस तरीके से कुछ मोटा मोटा कचरा निकला था, मैंने इसे 2 दिन करके छाना था। मैंने इसमें देखिए दूसरी चलनी ली हुई है, क्योंकि उसमें से नहीं हो रहा था तो मैंने दूसरे में से किया, और इस तरह से हाथ से मैश कर कर के आपको करना पड़ेगा। जब भी आपका कंपोस्ट रेडी हो जाए तो आप इसे थोड़ी मेहनत करें, तो 1 या 2 दिन की मेहनत लगेगी आपको इसमें छानने में, क्योंकि काफ़ी सारा कंपोस्ट मेरा बन गया है। तो ये जो निकला हुआ है डंडियाँ, इन्हें मैं, ये जो जड़ें हैं इन्हें मैं निकाल दूँगी, और जो यहाँ पर मोटी मोटी डंडियाँ दिख रही हैं ये इन्हें मैं वापस डिकम्पोजन उसमें दूसरे वाले प्रोसेस में डाल दूंगी, या फिर हम चाहें तो गमलों के नीचे भी इसमें डाल सकते हैं। इससे हमारे जो गमले हम भरते हैं उनका ड्रेनेज भी अच्छा बनता है, ये देखिए, और ये नीचे नीचे से डिकम्पोज भी होंगी। और ये जो निकला है फ्रेंड्स, ये मैं डालूंगी जो मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ उसी के ऊपर जब मिट्टी डालनी होती है हमें, तो मैं उसमें डालूंगी, क्योंकि मेरे पास मिट्टी की वैसे ही कमी रहती है, तो ये भी उसके साथ डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये फाइनली हमारा कंपोस्ट बहुत ही अच्छा बना है। तो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और अपडेट भी दिखा दिया कि किस तरीके से हमें ये कंपोस्ट बनाना है, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इस वीडियो को बनाने में। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप और भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं इस तरीके के तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो देखने को मिल सके, अपकमिंग वीडियो। और साथ में बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिएगा, उससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूँगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और सही टाइम पर मैंने अपना कंपोस्ट समेट के रख लिया था, अदरवाइज़ ये पूरा ख़राब हो जाता। तो देखिए, बारिश में पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।